बात नहीं हो रही, पनौती कौन है? पनौड़ी कौन है? जब वो आएगा उसके समूह पे बोल दिया, अगर इतनी हिम्मत अभी, है तो, अभी इतनी आया, हिम्मत है, सुन मेरी बात, हिम्मत अब मेरी बात सुन, अब काटेगा ना वो। मेरी पुरानी लाइफ जाके देखी, पनौती के मुंह में भी मौत तक सब टाइम देखी है नहीं भाई, सब देखी, फिर सब देखी। लेकिन क्यों देख, बोल रहा है झूठ तू? वाली बात नहीं, तो झूठ कौन वाली है बात पनौ नहीं, तुझे भी मैं पता नहीं पनौड़ी जानता। क्या है, तुझे भी पता है। यहाँ पे फेक वाली बात मत कर, तुझे भी पता है वो कौन अरे है। नहीं जानता, मैं बता तो अरे रहा हूँ, नहीं, नहीं ये जानता नहीं जानता। यार भाई, अरे तू 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 चरण अरे धोके नहीं पी जानता लेगा भाई, उसके, तू चरण धोके पी लेगा उसके अगर अरे रियल में नहीं उससे मिल ये, गया, अरे भाई ये नहीं उसका हाल जानता है है भाई, बता। मैं नहीं जानता यार, मैं नहीं क्या कर रहा हूँ क्या तुझसे, कोई बता कौन है पनौती, जानता तू होगा तो बता। बढ़िया बात है भाई, हमारे लिए तो कॉमेडियन है एक लौंडा। अच्छा कहाँ कहाँ है ये बता भाई, ना पता, अभी तो कह रहा मैं पनौती को जानता हूँ अच्छे से। अब ये झूठ बोल रहा है बहन का लौड़ा, इसकी कौन मार बहन के लौड़े की, झूठ बोल रहा है इधर बैठे बैठे, कुछ भी तू बकवास कुछ, चोद रहा तू है। पनौती को एपीएनआर भी नहीं जानता और इतना बड़ाई कर रहा, गांड चाट रहा उसकी, अबे ये बहुत तो उसकी बुआ का लड़का सड़ी होगा। के, मेरी बात सुन, मेरे लंड से पनौड़ी और मेरे लंड से ये दीपक जी, अभी दीपक अभी पटाल, लंड और पे मेरे पनौती लंड आ से जाते तू, थे, सुन मेरी मेरे बात, को अभी कोई लंड, फर्क नहीं पड़ता। अब मेरी लेकिन बात भाई सुन, एक होती सुन है मेरी एक बात, होती, सुन ना मेरी बात, अब मेरी बात सुन, तूने बोली, अब मैं तुझे बताता हूँ। जब किसी को ना भोसड़ी का, जब किसी को हटा इसे, हाँ ये करी दीपक तूने भाई, आज आ गई खुशी की बात, वेरी गुड ब्रो, ये नहीं भाई मैंने फालतू की उसको आदत नहीं छोड़, हटाया, वेरी मैंने गुड उसको ब्रो। नहीं हटाया, वो गिर गया, तूने नेटवर्क हटाया में साले, दिक्कत झूठ है। मत बोल, झूठ आ मत जा बोल। नीरज हेलो, कॉलते हैं, नीरज कॉलते हैं, हेलो। तूने हटाया वो, अच्छा फिर आ गया दीपक ने कुछ नहीं करा, मेरा नेट चला गया था गांडू। तेरा नेट। मैं बता अब क्या कह रहा था तू। कह रहा हूं भाई, अगर कोई इंसान किसी का फैन होता है ना तो उसे हाँ बताओ। लेकिन कोई इंसान किसी को जाने के बाद एकदम गांडू बोलता है, उसके सामने आते ही भाई बोलता है, तुम जैसे गंडवे यही काम कर सकते हो? अबे भोसड़ी के मैंने किसको गांडू बोला? मेरे जाने के बाद तूने कहा एकदम सही करा दीपक, तो तेरा फैन तो नहीं हूं भाई मैं, और तेरा मेरे फैन ही नहीं हूं। आते ही, मेरे आते ही तूने बोला अरे भाई भाई, अबे तो भाई तो है ही तू, तो तू कोई मेरा दुश्मन थोड़ी है, फिर भाई तो बोलूंगा, कोई कोई मेरा दुश्मन थोड़ी है तू। अच्छा पनौती कहाँ का है, पनौती कहाँ का है? हेलो पवन, ओ हाँ पवन दीपक, कहाँ से हो तुम? तिगोम तिगोम तिगोम, पनौड़ी अरे चूतिया, जब तू आया है यहाँ पे तो अपने भाई बैठे भोसड़ी का हुए है हैं, बुआ गुजरात का सलाम और नहीं रहता है करेगा? सेंट्रल यूएस में। अरे ओ चूतिया सुन, 2 मिनट अभी मैं इससे बात कर रहा हूँ, चुप बैठ नहीं तो गांड पे लात मार के नीचे बिठाऊंगा मैं ओके सर, तुझे। ओके दीपक सुन, भाई ओ बोलो। क्या नाम है तेरा? पवन, पुनंगा पवन, क्या काम करता है तू? कॉम किराया आ रहा भाई, कॉम अच्छा तू खुद कुछ भी काम का नहीं करता है, सिर्फ किराया खाता है? लड़ा। तुझे पता है ये ऊपर बैठा ये कौन है? फैक्ट्री का मालिक है, इसके हाथ के नीचे 5,000 मजदूर है, और इसको ऐसे कोई बोलता है ना कि काम नहीं करे भाई, ये मैं बेकसम से कह रहा हूँ, उसके गांड पे देता है बेल्ट के फटके, मैं अरे मजाक तो नहीं यू कर हर रहा हूँ। किसी सुन, हाँ या की कंपनी होगी अच्छी बात है, फिर यू कोई नेता लगाया होगा जो बीच में उड़ करेगा, हर किसी एक बात हो कह रहा जो। अरे अरे भाई इसको पसंद नहीं है ऐसे जो निकम्मे के जैसे बैठे रहते यू हैं। यू कहा जाओ, हमारे घर के ने पसंद है या तो क्या मतलब हमारा? अरे घर पे भी तो, घर पे जब तुम कुछ करते ही नहीं हो तो घर वाले भी माथा टेक देते, घोसड़ी इससे के अच्छा कह ये रहा हूँ भाई है, तभी इसके इसकी हवेली में तू ये हुक्के में तंबाकू भरने का काम कर, चिल्लम में अरे गलत बैठ क्या है गलत, इसमें तू तू? भी आ जा रही आ भी, हमारे घर भरदकरी टुकड़िया पाक है, ठीक अरे है? सुन 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 सुन, हाँ नहीं मैंने राजे, मैंने तुझे कुछ बोला? मैं तो भाई बाकी बात को जवाब दे रहा हूँ, मैंने तो कुछ बोलो है, तूने क्या कहा, इसे भी ले आओ। जाके यू कह रहा हूँ मैं तो, बाकी कह रहा हूँ बता। बाकी तो तू कह रहा हो, वो तो तेरी हाँ बात समझ लो मैंने हाँ 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 इतनी तो, या तो मैंने, मैं भी जानू क्या कह रहा हूँ तू, अच्छा लेकिन तू मेरे को क्यों कह रहा हो? भाई, मैं तो अच्छे कह रहा हूँ, जो मोता कहेगा मैं तो अच्छे तुझे कहूंगा पता है और ये क्या। बंदा कौन है? ये बंदा जो है ना भौं चोद देगा खड़े खड़े में, मजाक अरे नहीं कर रहा बहन हूँ। के लंडे, यू भी खचरो और तू भी खचरो, ठीक है? खचरे इन पे अच्छा यको और होएगा तू तू ये भाई का नाम तू क्या है भाई, गांड सही का है। धुलो वो,
बुरसेट डीपी पे लगी हुई 70 रुपए की पैट से ली तू बैठ के लंड नकली आदमी बेबी चोद बैठ के लौड़े तू हर किसी की एक बात और करो बैठ के लंड गोल्ड मार दी को दो मार दो कभी का बैन मैड और बैठ के लौड़े ठीक है बैठ के लंड खतरे बैठ के लौड़े बुढ़िया के बाल बेका बैठ के लौड़ा तेरी फैक्ट्री है तेरी गोंड में बढ़ा दूंगा कभी का बैन मैड छोड़ दो ठीक है बैठ के लौड़ा ऐसे तेरे मन कर ऐसा दियो तू मेरी फैक्ट्री पे गार्ड भी ना लग पाएगा भोसड़ी के तू बैठ के लंड मैंने तो है तू कुत्ता बिल्ली की तरह जिधर मैंने तो एक बात कह दी जैसे तेरे मन कर ऐसा दियो और बता बैठ के लंड या तो कोई बात तो कहेगा बता कैसे हूं कैसे हूं जैसे तेरा मन कर तेरी मद्दू पे जीवड़ा बहन के लौड़ी खतरे दे तू बहन के लंड माँ बाप तक ही पहुंच सके बहन के लंड तू हमते मिल ना तेरे बाप आयो इंगे हमते मिल बहन के लौड़े अच्छा चल 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 तू बहन के चूत पे बैठ के लौड़ा का का तू बहन के लंड तेरा बाप है तेरी बहन के लौड़े खचरे इनमें गिनती हुई है सदा खचरो ही रहेगा तू बहन के लंड मुंह देख क्या बना रहा हूँ बहन के लौड़ा सत्तर सत्तर वाली चैनल ने पहन कर बता मत दीपक बोझड़ी के तो बोझा बैंड के लंड खचरे या तो बात करने दे पहले तेरे पे क्या दिखा तू दिखा तू बैंड के लंड हम दिखाते नहीं हम दिखाते नहीं है तू बैंड के लंड दिखाते टैप पे है तेरी तरह आवाज करते बैंड के लौड़े 70 रुपए की पैट से ली हुई सर बैंड के लंड चैन नकली चैन पे वा बीवी चोद के किराए पे बैंड के लंड तू किराए पे ड्यूटी कर रहा किसी की कोठी में बैंड के लंड चमक बना रहा जब बैंड के लंड तेरी कंपनी तेरी गॉड में भर दूंगा यार गॉड में हाथ देखो औंधा मार दूंगा कभी काय बैंड के लंड बात कर पहले चमक मत बना चमक मत बना बहन के लौड़ा घर घर में लाइट घर घर में बहन के लंड नीरज जा रहा बाहर नीरज नीरज अपने घर में नहीं बोलता नीरज बाहर बोलता है नीरज नीरज लंड पे बैठा है तो नीरज मेरे पे ठीक है नीरज का चुप कराना भाई साहब अब कंट्रोल के बाहर है लंड ऐसे कंट्रोल ही देखे हमने बहन के लौड़ा यू बहन को लंड हर किसी खींचा बन रहा बीबी चोद के न तू किसी देख रहा हो ना आ रहा हूँ बहन के लंड कौन क्या किसने बात कर रहा इसके इसके फैक्ट्री में 5,000 मजदूर काम करे बहन के लंड तू भी चला जा कि फैक्ट्री में काम करना बहन के लंड तू क्या ठेकेदार है दीपक इसके दीपक ठेकेदार दीपक बहन के लंड की चिलम भरता है चिलम इसको और 1,000 मजदूर की जरूरत है तो इसको बैठ के लंड तू चला जा कि धो रहा है तू 1,000 वर्करन को काम अकेला कर देगा और तेरी बहन की तू तो आ गया नीरज नीरज आ गया अपनी फॉर्म में अब बताओ ओ बहन के लंड सुन मेरी बात छपरी की हां सुन बहन के लौड़े बाप से बाप के बाप बाप के बाप बहन के लंड रंडी के बाप के का बात कर तेरी बहन की तू तेरी बहन के लंड तेरी बहन के लौड़े दल्ले तेरी मम्मी और तेरी माँ की चूत बैठ के लौड़े तेरी माँ में लंड बैठ के लंड रंडी के दलाल बैठ के लौड़े नकली आदमी तेरी बहन पता क्या बोलने दूंगा बैठ के लंड जब तक मारूंगा जब तक मिलेगा बैठ के लंड खचरे जब तक मिलेगा जब तक मारूंगा और गोंड में हाथी का खोल दूंगा बैठ के लौड़े चमक बना रहा किराएदार बैठ के लौड़े तेरी बहन की तेरी चिरंडी के जहाँ तेरा मन कर बैठ के लंड ले नंबर बैठ के लौड़े लिख नंबर कर सुबह कॉल कर माँ की चूत अपनी बहन को दे दे उसे बचा ले तेरी माँ की चूत अपनी माँ दे दिया बैठ के लंड खचरे गरम बैठ के लौड़े यार किसी एक हॉकी तो हॉकी से प्यार से बात कर रहा था प्यार से बात बैठ के लौड़े कर के लिए भाग बात समझ नहीं आती तेरी मो मेरी नोएडा में फैक्ट्री में पड़ी है चिल्ला के लंड नोएडा के खतरे तू बैठ के लंड नौ मिलेगी नोएडा में वो बैठ के लंड दलाल हां मैंने देख लिया तेरा नाम तेरी बहन की तू पहन रखे तूने डीपी में बहन के लौड़े की डीपी में तेरी सर दिख रही है तू अपने तो बाप ते नंबर लो बहन के लौड़े यार सुबह कॉल कर और मिल तेरी बहन की चूत तुम्हारा वो तुम वो लोगों जो कैमरा खोल नहीं सकते औकात तुम्हारी होती नहीं कैमरा तू बैंड के लंड तेरे जैसे इनके सामने न आते हम बैंड के लंड खतरे नहीं आते क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है मेरे जैसे सामने आने की औकात क्या बैंड के लंड दिखाई तेरी औकात क्या तेरी औकात बैंड के लंड में कौन टक दिया तेरी औकात बैंड के लंड की तेरी बहन में लंड तेरी में बैंड के लंड तेरी बहन मम्मी ने अपनी चूत को बहन के लंड तिगोम का नाम ही सुन ली जो तिगोम का नाम चल भोसड़ी के दीवार के नाम की बहन के लंड के दीवार के नाम की बहन के लंड क्या दीवार का नाम बहन के लंड रंडी के तेरी बहन में लंड दे देंगे आराम मार देंगे दीपक बहन के लंड क्या दीपक बहन के लंड पहले अपने बाप से बात करती रही बहन के लंड तेरी बहन की तू तेरा बड़ा गुजर के ना बहन के लंड सो जाऊंगा बहन के लंड खतरे सो जाऊंगा तेरी बहन की तू चैन पे बहन के लंड नकली चैन पे लेगी बहन की लोड़ी चीख मारेगी चीख नकली चैन बावली चीख मारेगी बहन के लंड नकली चैन मर जाएगी बहन की लोड़ी लेकिन लौड़ा यार यारों को मंगाता है नकली चैन
चैन पहनता नकली करता जब बैंड खिलौड़े फिर छुट्टी का टाइम हो गया मालिक के घर काम कर रहा है भोजरी के ये नकली चैन ना बहन के लंड 20 लाख की है तेरे बहन के खिलौड़ा 20 लाख तेरे बाप दादा ने भी देखे बहन के लंड तेरे बाप दादाओं ने नौकरी करी है मेरे जैसों के यहाँ भोसड़ी को तुम्हारे बाप दादा मेरे यहीं चुत्ते फिर रहे हैं क्या हुआ कहाँ गो भाग गया हाँ मैं तो खाना खा रहा था भजन करके अभी जस्ट फ्री हुआ भाग गया बहन का लड़का चिल्ला गया क्या भाग गया भोसड़ी का गुजर थी बहन की चोट नहीं देखो हम तो उसको अच्छा ही बता रहे थे कि कुछ जॉब करो ये करो जब हम आते हैं तो अच्छे अच्छे चले जाते हैं चला गया क्या वो भाग गया भोसड़ी का अरे नीचे मैसेज करो भाई क्या नाम था उसका इज्जत करता है शायद अपनी की और बहन की चोट एक तो दीपक भाई आपका समझ में नहीं आता पहले बोलते हो गाली नहीं बकना है फिर पंद्रह मतलब बको लेकिन ऐसे फोटो और माँ का ऐसे वो मत करो बस इतना ही कहना है बाकी चलो ठीक है एक सॉफ्ट रोस्टिंग रोस्टिंग तो ऐड भी तो ढंग के लोगों को किया करा करो उनको कुछ रंडी के गिरे इंसान तेरी बहन का लंड भाई मैं देखो मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ यार मैं तो मैं धार्मिक इंसान हूँ यार मैं ये सब चीजें नहीं करता हूँ यार अरे नहीं नहीं मैं आपसे क्यों बात करूंगा यार आप अच्छे घर के लड़े हो यार सेकंड आपको तो आपसे क्यों मैं इस तरीके से बोलूं अबे तू कर भी नहीं सकता बात ठीक है भाई हाँ तू कर भी नहीं सकता बात समझ गया और दीपक भाई खाना वाना हो गया कि नहीं हुआ आपका अरे इधर पूछ रहा खाना वाना हुआ नहीं हुआ क्या खाया आपने मैंने ये बादाम के आटे की रोटी और काजू की सब्जी खाई यार ये जो होता है ना दीपक भाई रोस्टिंग वोस्टिंग ये ना बहुत सब्जेक्टिव है यार मतलब आपकी ऑडियंस ना उस टाइप की नहीं है दीपक भाई पहले हुआ करती थी आपकी ऑडियंस मतलब जो समझती थी कि चीजें क्या होती क्या नहीं होती अब कोई आते ही डायरेक्ट गाली देता है तो उसके मतलब अब उसके सामने आप सॉफ्ट कॉमेडी नहीं कर सकते हो बराबर है क्राउड बहुत गंदा कर दियो दीपक भाई अपना सुनो भाई ऐसा है दीपक भाई मैं भी तुम्हें वार से बताना चाहता हूँ ये भोसड़ी वाले हमें उत्साहित करते हैं फिर हम गंदी चीजों पे आते हैं बहन के लंड भी कंप्लेन करते हैं मतलब ऐसा नहीं होता दीपक भाई सामने वाला आके अगर आपको गाली दे रहा है ना तो फिर आप वहाँ पे सॉफ्ट कॉमेडी कितने देर तक झेलोगे मतलब कितने देर तक कर सकते हो नहीं कर सकते हो फिर इनको नंगा करके मारना ही होता है सॉफ्ट कॉमेडी भी वो हो सकती है बहन की लोड़ी जो हम झेल पाए ये बहन के लोड़े ऊंच नीच बोलते हैं फिर हमारी गांड में जलन होती है हमें उतरना पड़ता है गंदगी पे क्यों ज्ञान का चौदह बन रहा है ये देखो ये शुभम वर्मा को देखो इसको मादर चोद को देखो तुम तो इस सुअर को ध्यान से देखो इसका मुंह बहन के लोड़े का ऐसा है जैसे नाली में पड़ा रहता है लेकिन इसके बात करेंगे ऐसा लग रहा है कीचड़ में खेल रहा है भोसड़ी के सुअर हाँ वो सबको दिख रहा है कौन कीचड़ में खेल ही रहा है तू सबको क्या दिख रहा है इधर उधर कैमरा घुमाने से क्या तू बहन के लंडू वो बन गया अरे मैं सामान रख रहा हूँ गंडू सामान भी ना रखूंगा सामान मेरा रख लेना पकड़ के हाँ तेरा बहुत बड़ा सामान है और उठाया नहीं जाएगा ना उससे तो ले लेना क्या पर्सनल में आना फिर दिखाता हूँ तेरे को सामान अपना तुम्हारे 1200 करोड़ के जमीन का सौदा हो गया कल दीपक भाई कल हो गया वो हो गया कल हो गया दीपक भाई ऐसी बातें जब लाइव में अपन लोग बैठे हों तो मत बोला करा करो क्योंकि अभी आपने हिजड़ा को बैठाया है तो वो ताली बजा के कुछ मांगने लगेगा पैसा वैसा ए हिजड़े ताली बजा तेरे को पैसा देते हैं हम लोग ए शुभम वर्मा तेरी गांड पे चाटे मार के पैसा देंगे अरे गुस्सा मत हो यार मैं तो नॉर्मल ये सॉफ्ट कॉमेडी कर रहा था भाई गाली नहीं दे रहा हूँ यार मैंने तो सिर्फ तुमसे ये बोला कि ताली बजाओ यार जो अपना भाई होवे ना पवन गुज्जर भाई बड़ी तोप है सिस्टम है भाई का और आपको पता ना होवे नितिन खटाना
शुभम वर्मा कॉल थे। हाँ हेलो। भाई भाईचारा बढ़ा के रखो। देखो ये बंदा जो है ना, ये नीरज, तो इसका क्या सिस्टम है, इसको अभी 2,000 लेबर की जरूरत है। इसके फैक्ट्री में 5,000 लोग काम करें, तो इसीलिए ये चाहता है कि इसके फैक्ट्री में इसको मजदूर मिले। तो जो भाई कभी कॉम धाम ना एक भोसड़ी करे, वाले को मजदूर हम दिख रहे हैं क्या, इसकी माँ की चूत अरे ऐसे नहीं है, तुम लोग कुछ कॉम धाम करोगे ना ना, तो उसको खुशी हमें मत होगी करवा। भाई, तू कर अच्छा बंदा है लेगा, वो, ऐसे कुछ तू भी कर नहीं लेगा, है। तू कर ले। हाँ जी दीपक, हाँ मैंने हाँ नीरज बोलो। को तो दोपहर पे लिया था, नीरज को तो नहीं अपनी कौन है, तो उसने कहा कि ऐसे कुर्ती नहीं है, मैं नीरज को ले रहा हूँ कॉल पे। हाँ अपनी जान है सोनिया जान, और सोनिया और के लिए है मैं ना, जो तू ये बोलेगी वैसे होगा। तो बताना, तो मुझे बता कि नीरज आ कहते जा। हैं लेबर, इन शुभम भोसड़ी ने वाले लेबर बहुत की अच्छा कोई किया। वैल्यू शुभम आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि तुम किसी को जवाब दे सकते हो। है ना आई रियली बेटा, लाइक यू। हमेशा देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये जो यहाँ पे फुकरी पेलते हैं ना, तुमने सही जवाब दिया, क्योंकि गए गुजरे फालतू बोलेंगे, शेर को सवा शेर जरूर टकरा जाता है, और ये जो गिरा हुआ इंसान है ना, इसे तो तभी बहुत तो भगता है गंदा, वो तभी तो भगता है। इसे तो बहुत गंदा गिराया। लाइफ पे आ, हाँ गिरा हुआ इंसान वैसे भी बहुत अच्छा है, ये देखो हम और सब तुमने उसकी सही भाई हैं, और ये क्लास लाइन लगाई। मैंने भाईचारा के लिए चालू की है, लेकिन कैसे है कि थोड़ा वो पैसे वाला बंदा है, तो उसको है गरूर, ऐसे है पैसे ना वाला बोझा बंदा है भारा। भाई अपने लिए यार, हमारे लिए थोड़ी है यार भाई, अगर अपना काम कर सही रहा है अपने लिए कर रहा है यार, हमारे लिए थोड़ी कर रहा है, कमाएगा अपना बात खाएगा, है, हम अपना बिल्कुल कमाएंगे बिल्कुल सही अपना बात है। खाएंगे, इतना ये जो अरे अपने क्या आप को अमीर मतलब, के चोदे बनते हैं ना, इनको बोलो गरीबों में बांट दे, ठीक है ना, इतना नहीं बट अगर वैसे वो इनको, दान धर्म भी काफी करता है यार, ऐसे नहीं है, हाँ उसने पिछली तो बार भी बहुत 50 लाख दुनिया को बहुत दिखाने करेंगे के भाई, लिए, करना चाहिए करना चाहिए। हाँ दान धर्म करने से कोई सड़क पे भिखारी नहीं बन जाएगा। एक बात बताऊं, कोई दान धर्म कर रहा है ना, तो उसकी वीडियो भी नहीं बनानी चाहिए, हाँ वो कर रहा है सही अपने बात है, अपने मन से कर रहा है, शांति के लिए कर रहा है। अरे मैंने जिसने अभी बिल्कुल मेरे 50 लाख पिताजी रुपए कहते दिए भाई एक मैं कर गरीब रहा हूँ, को, देखो बेंचो वीडियो पता नहीं किसने घेर दिया यार, मेरी आईडी चोरी करके। मैंने कहा कि बेंचो मेरे को शो ऑफ नहीं करना है, तो पता नहीं बेंचो मेरी आईडी चोरी करके दान धर्म वाली वीडियो घेर दी, जो मैंने 50 लाख दिए बेंचो। और यहाँ पे तो मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, यहाँ पे फुकरे लोगों की ना शुभम कमी नहीं है, मैं आज तुम्हें रियलिटी बात बताती हूँ। बोलो बोलो। मैं कह रही हूँ यहाँ पे फुकरे लोगों की कमी नहीं है। नीरज लाइव पे आ, सब अपने भाई है, ये जो लाइव है ना मेरी भाईचारा लाइव है, तो एक मिनट में शुभम की जगह पे नीरज को ले रहा हूँ, क्योंकि वो ऐड क्यों ना हो रहा है मोनो पता। नीरज आ जा, हाँ भाई, सुन नीरज, हाँ भाई, ये अपनी जान है सोनिया, जान समझता है तू, इसको खातर है ना, ये बोलेगी ना इसकी गौण मार दे, हाँ वो भी कर देंगे, क्योंकि अपनी जान है, इसने हमेशा हम दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया है, और मैं चाहता हूं कि आप लोग आपके गिले शिकवे भूल जाओ, एक हो जाओ। बिल्कुल यार। एक बात बताऊं, मैं तो कोई गलत बोला ही नहीं था, सोनिया ने थोड़ी सी दिक्कत यार, मैं आते ही लाइव करी थी थोड़ा, हाँ देखो जब मैंने टीका उसने लगा ऐसा है रखा था ना, तुमने मुझे क्या बोला अच्छा कि सोनिया तुम आज कहाँ जा रही हो, तुम्हारा क्या नहीं, मतलब था ये वर्ड बोलने का। चलो चलो उसे खत्म करते हैं। लेकिन जब मैं लाइव आया था तुमने ही बोला था कि 10 रुपए का चश्मा लगवा के आए हो तुम यहाँ। और तुम जो कह रही थी कि मैंने तुम्हें मैसेज किया, तो तुम्हें मैसेज करने से क्या हो गया, कोई तुम सलमान खान थोड़ी ना हो। चलो ठीक है यार, अब बात को क्यों उठा रहे हो, मैसेज है बंदा, डीएम लाखों लोग देखते हैं, अब हम मुझे लाखों मैसेज आते हैं, मैं लोगों को ये बोलूं क्यों किया, क्योंकि उनको हम अच्छे लगते हैं तो उन्होंने कर दिया। चलो ठीक है ठीक है, बात को खत्म करो ना, अभी
अभी हम दोनों सॉरी बोल दो, चलो एक बार अपनी जॉन है सॉरी बोल दो, पप्पी दे दो, चलो सोनिया अपनी जॉन हो बात बोल दो, खत्म हो गई। सॉरी बोलो दीपक, इसको बोलो मुझे लाइव में सॉरी बोले, अभी ये बोल दो चलो एक बार। अच्छा ले यार सॉरी, इससे तो बड़ी बन जाएगी क्या सोनिया, बात दोस्ती यारी में सॉरी होता है क्या ये बता, अपनी क्योंकि तुमने बात बहुत ज्यादा क्रॉस करी थी। अच्छा चल अभी मैंने बोल दिया, अब इससे तो बड़ी बन गई, दोस्त रहेगी ना मेरी ये बता। और तुम लोगों को बता रही हूँ मुझे डीएम किया, भाई डीएम करने से मैंने तुमसे पैसे मांगे दो। अरे डीएम करा वो करा सब खत्म हो गया, अब क्या इसी चीजों को उठाने से कुछ होगा ये बताओ, गलत कह रहा हूँ दीपक भाई, जोन है अपनी जोन है बात खत्म। नहीं बराबर है, अभी सॉरी भी बोल दिया है तो क्या है दिक्कत। उसको तुमने ऐड, उसको शुभम को क्यों नीचे गिरा दी, शुभम अच्छा लड़का था, अच्छा लड़का था लेकिन वो थोड़ा ऐसा मतलब इससे गरीब है नीरज से। अरे मेरा लेबर दीपक, अमीर गरीब कुछ भी नहीं होता, अमीर गरीब क्या होता है यार, कुछ सब सब रोटी खा रहे हैं, वो अगर अमीर है तो कोई वो सोने की रोटी नहीं खा रहा बैठ। मेरा डायलॉग था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने चलो सुना नहीं, मैं अभी अभी आई हूँ मैं तो, ऐसे कुछ नहीं होता कि कोई अमीर है गरीब है, कोई अंबानी से तो अंबानी से भी ऊपर कोई अमीर बैठा है इस दुनिया में, तो हर एक बंदे का एक ऊपर तोड़ा, ऐसा नहीं है, गरीब से भी गरीब है अमीर से भी अमीर, डजंट मैटर अमीर गरीब क्या होता है, तो ऐसे किसी गरीब मत बोला करो, नहीं अच्छा लगता। अच्छा सोनिया, सोनिया प्यार से बात करती हुई तो बहुत अच्छी लगती है यार सच में, ये तो सुबह घामा का गर्म हो गई थी। बेशक एक बात बताती हूँ, वो जो जो गरीब लोग होते हैं ना वो किसी को मारने काटने का भी दम रखते हैं, जो अमीर होते हैं ना वो डरते हैं कि उनको कोई मार ना दे, उनको कोई पीट ना दे, इसलिए वो बॉडीगार्ड अपने साथ खरीद लेते हैं, जो गरीब होते हैं ना वो नहीं डरते किसी से। हाँ उनकी गोंद फट जा मेरे की है ना, अमीर बेचारे डर जाते हैं कई बार, इसलिए अपने साथ गार्ड लेके चलते हैं, अपने साथ बंदूक गन लेके चलते हैं जेब में, उनको कोई पीट ना दे मार ना दे। तो मैं तो भाई मुझे भी यही डर है ना, मैं कहीं जाता हूँ तो मुझे ये है कि भाई लोग मुझे किडनैप करके पता नहीं 40-50 करोड़ की फिरौती ना मांग ले, ये बात तो है। हाँ। ना 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 ये हाँ। तो मुझे फील हुआ यार, तुम तो अपने साथ सिक्योरिटी बढ़ा दो अभी के लिए। क्योंकि हाँ जी हाँ जी आ गए। दीपक क्या बोल रहा था, नहीं कैसे देखो ये बंदा जो है ना ये थोड़ा अमीर है, इसको गरीबों का दर्द पता ही नहीं है क्योंकि इसने गरीबी देखी नहीं है कभी। ये अमीर गरीब क्या कर रहा है, एक बात बताऊं दीपक, मेरा ना गला खराब है कसम से भाई, तबीयत भी खराब है, और ना हिम्मत होती ना तो मैं तुझे अच्छी खासी सुना देता जो तूने बात करी है ना, इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे से बोला इतना जा नहीं रहा है। देखो तुम जैसे भी हो मेरे भाई हो, अमीर लोग इतने अमीर लोग इतने वेले होते हैं दीपक, अमीर लोग इतने वेले होते हैं कि 24 घंटे लाइव में बैठे रहते हैं, उनसे तो अच्छा गरीब लोग होते हैं मजदूरी करते हैं मेहनत करते हैं रोटी खा के सो जाते हैं। मैंने तो पहली बार ऐसा कोई अमीर बंदा देख रही हूँ जिंदगी में जो वेले, ये जब भी लाइव ऑन करो बैठा मिलेगा। अरे तो इसके पास पैसा बहुत है, इसके पास 4-5 हज़ार मजदूर काम करते हैं, 4-5 करोड़ क्यों ना बंदे काम करते हो तुम, 4-5 करोड़ के पास 2 हज़ार तो कुछ नहीं लगा। अभी, अभी अभी तुम मेरी दोस्त बनी हो या दुश्मन ये बताओ। मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं हूँ, ना दोस्त ना दुश्मन, ना मुझे तुमसे कुछ लेना देना, सीधी सी बात है। वो अभी हमारी कॉम्प्रोमाइज हुआ था वो कैंसिल हो गया फिर। हाँ जी बिल्कुल, तो मैं दीपक की बात का जवाब दे रही हूँ, तो दीपक तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो गरीब है, गरीब आज भी बंदा खड़े होने का दम रखता है कहीं पे भी, जो अमीर होगा ना 10 बहाने मार के कुंडी लगा के सो जाएगा तालों में बंद होकर। तो आई सब मैं गरीब लोगों को बहुत सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि जो जो कुछ भी आज मुझे दिया गरीबों ने दिया, अमीरों ने मुझे क्या दिया, कुछ भी नहीं, सब गरीबों से लूट लूट के मैं आज अमीर बनी हूँ करोड़पति। क्योंकि शुभम भाई हेलो, हाँ बोलो यार, मैंने आपको गरीब बोला तो आपको बुरा नहीं लगा ना? यार मुझे बुरा नहीं लगा कि गरीब गरीब, मैंने यार देखो मैंने आपको गरीब इसलिए बोला क्योंकि अगर मैंने आपको गरीब नहीं बोला तो आप मेहनत नहीं करोगे, मैंने आपको गरीब बोला तो आप भी मेहनत करके हमारे जैसे अमीर हो जाओगे। एक बात बताऊं भाई, हम तो अपना जॉब करते हैं, सीधी बात है, कोई हवाबाजी तो है नहीं, सीधी है, कोई हमारा किराया तो आ नहीं रहा ना, हमारा कोई बिजनेस है, हम तो सीधा बोलते हैं। क्या जॉब करते हो भाई? गांठ पटरी ना, ऐसी गांठ पटरी, नाम नीचे होते, नाम किसी से ऊपर है,
पर नीचे गिरते भी नहीं है, फेस टू फेस। अच्छा भाई आप क्या जॉब करते हो? हाँ आप क्या जॉब करते हो भाई? वो तुझे थोड़ी बताऊंगा मैं। नहीं मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि नीरज को है ना, जब तूने बोला गरीब, अरे भाई पूछा कि कितने में गरीब, ये नीरज को इसके चिल्लम में हुक्का भरने के लिए एक आदमी की जरूरत है, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। अगर आपके पास हो तो बताओ, ऐसे कुछ नहीं है। आपके पास है क्या कोई आदमी 50,000 तक सैलरी भी देने के लिए तैयार है? तो लग जाए ना फिर। और कैसे है जरा ये, मतलब रशियन के साथ बहुत मजे मारता है, सुनो ना, ये रशियन के साथ बहुत मजे मारता है। गालियां पड़ रही थी ना कमेंट में, शर्म नहीं आती वैसे? अरे भाई ये रशियंस के साथ मजे मारता है ना, तो बीरिया गिर जाता है, तो वो पहुंचने के लिए भी एक बंदा चाहिए इसको। टिश्यू लेके रखती है ना वो, तेरी नीचे से ही पहुंचती है, है ना? सॉरी भाई अगर आपको मैंने गरीब बोला, अगर आपको बुरा लगा तो, लेकिन मैंने तो इसीलिए बोला कि भाई जब मैं आपको गरीब बोलूंगा, जब तक दो चार ढंग से ना सुना दो ना इस बंदे को, जब तक इसकी लाइफ में सुधार ही नहीं आ सकता। अभी भाई ये अपने लाइफ में गरीब अमीर सबकी डिमांड है भाई, ऐसे कुछ भी नहीं है ना। ऐसा कड़वा करेला रखूंगा कि दिन तेरे गालक में, उसने तो कड़वा ही बोलेगा। तो आपने बताया नहीं भाई आप क्या जॉब करते, इतनी शर्म क्यों है? अगर आप कोई जॉब करते हैं तो भले वो लो क्वालिटी का जॉब है, लेकिन आपको बोलने में इतनी शर्म क्यों आ रही है? एक बात बताता हूँ, तू ना मेरे साथ साढ़े चार पांच बजे लाइव आ जा, तेरे को जॉब बता दूंगा लाइव। अरे तेरे को फेम मिल जाएगा वो जॉब सुनने के चक्कर में, मैं क्यों तुझे फेम दूं? चूते गिरी करना है कुछ भी, मेरे खुद पे चल जाएगा। हम क्या जॉब करते हैं, तेरे को लाइव दिखाऊंगा। बंदे तो बताते होंगे हम क्या करते हैं क्या नहीं करते, हमारा बिजनेस है, हमारा किराया है। हम कह रहे हैं हम सीधा लाइव दिखाएंगे तेरे को। चलो ठीक है, ऐसे कोई ना, जब दिल्ली आएंगे तो जरूर मिलेंगे भाई। यही है कि ये जो नीरज जो है ना, इसको भाई थोड़ा पैसे का घमंड है, इसके पास पैसे बहुत है, इसको गरीबों का दर्द पता नहीं है यार, कि आप गरीब लोग कैसे जीते हो, कैसे मेहनत करते हो। इसके पास तो बस 2,250,000 करोड़ है, तो ये तो मतलब मानता ही नहीं है। किसको मैं क्या बोलूं अभी, इसको एक बंदे ने बियर, सुनो, इसको एक बंदे ने बार में बियर लेट दिया, कुछ नहीं भाई, माथे पे गोली मार दी, बताओ भाई। पुलिस बेंच काम कर रहा है, पुलिस बेंच फोन कर रही है, शासन प्रशासन को पैसे खिला दिए, बताओ भाई कितने करोड़ बता रहे हो भाई आप उस इनके पास में? नीरज भाई, अरे भाई इसने मना कर दिया भाई, क्योंकि इसके है ना पिछली बार भी टैक्स का लफड़ा हुआ था, तो इसके 8 करोड़ वो टैक्स करोड़ वाले, ये टैक्स वाले लेके गए, इसीलिए बोलता है कि बताओ मत बताओ। मैं तो चाह रही थी जितने भी लाइव में मैं सच्चाई बताता नहीं हूँ, कोई टैक्स वाला बैठा हो इसके घर पे छापा मार दे भाई। ये जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, वो जो आप करोड़ बता रहे हो ना उसमें ना, लेकिन ना गांधी नहीं होंगे उसके अंदर, गांधी नहीं छपा होगा उसके अंदर, सर्किट छपा होगा, वो अमिताभ बच्चन वाले तुरन वाले नोट होते हैं ना वो आएंगे। तो ये जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, तो इनकम टैक्स वाला अगर इसमें कोई हो उसका दोस्त, तो इसके घर पे जाके छापा पड़वा दो। क्या फायदा है सोनिया एंट्री नहीं है यार, सोनिया एंट्री नहीं है, कहने का कोई फायदा नहीं। जितने भी लोग ये लाइव देख रहे हैं, सोनिया एंट्री नहीं है, सोनिया एंट्री नहीं है, तो छापा पड़वा सकते हो यार। हिम्मत, जितने भी लोग ये लाइव देख रहे हैं, दोनों को ही अच्छा तेरी जान ले लेगी मर्द का 14 बन रहा और तेरी गोंड फाड़ देंगे हम। आ जा ना, चार्टों की सफाई कर दे, बहुत दिन हो गए कोई आई नहीं है। सुने काम कर, सुने तू मेरे ना टट्टो के नीचे जीप मार दे। हाँ आ जा तू इधर, तेरे टट्टे ही कटवा दूंगा, भोसड़े मार दे।
तेरी शक्ल अभी देखी थी मैंने, इतनी गंदी थी भोसड़ी की, उल्टी आ जाती मुझे, इसलिए कैमरा ऑफ करवाया था। भोसड़ी वाले तेरे ऊपर तो उल्टी कर रखी है ना लोगों ने, तेरे को तो खाली उल्टी आई है, तेरे ऊपर कर रखी है लोगों ने। तेरा भाई तो बहुत स्मार्ट है, तेरा भाई बहुत स्मार्ट है, लंड का स्मार्ट है, अपने आप को स्मार्ट बता रहा है। चल तू कैमरा फिल्टर लगा के, 10 वाला फिल्टर लगा के स्मार्ट बता रहा है। ले 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 ले, अभी फिल्टर के बिना आ जा। हो बाप रे यार, तू तो बहुत हो रहा है। सुन भाई, स्मार्ट है, जेन्युइन स्मार्ट है भाई, जेन्युइन स्मार्ट है, स्मार्ट है। सुन और सुन, तेरी मेरी गांड के बाल जैसी शक्ल है तेरी, अभी देखी थी मैंने। और तू पता क्या है, तू स्मार्ट तो है लेकिन गंदी है तू। हां गंदी हूं, दिखा। हां ये भाई तू अपनी दिखा, अपनी दिखा। तुम वो शक्ल के हो दोनों भोसड़ी को, जो शक्ल छिपा के बोल सकते हो। सही बोल रही है, तुम्हारी में बात भी कुर्बान हो गई। सच में मुझे भी ऐसे लगता है, कभी भी डाउट होता है, ये लेता है देता है। वही तो बोलता हूँ, ये है, ये कुछ इसके अंदर कुछ राज छुपाए बताने। अच्छा। खुल के नहीं आ रहा मार्केट में। हाँ। मार्केट में खुल के आऊंगा, शकल दिखा बोल तो सही बोला। अभी देखी थी मैंने तेरे दांतों पे भी इतना गैप था कि लोड़ा फसवा लो चाहे। दांतों पे नहीं, तेरी नजर कुछ और ही बता रही, तेरी लंड पे नजर जा रही थी हमारे। लंड दिखा, तेरा लंड दिखा था, मुश्किल सा था मुझे इतना सा। क्या लो देख हरकत पे, मैं धीरे धीरे आ रहा है, तू हरकत पे आप बोल रहे लंड आ रहा है, कोई बात नहीं, दिया मेरी चीजें, मैं जहाँ मर्जी दू तुमको, क्या है फ्री में दिया मर्जी, मेरी फ्री में बांटू पैसों में। तुझे दुबई जाने का शौक भी, तुझे दुबई जाने का शौक है ना, ओडिया जाएगा। सोनिया ये किलस रहा है, इसको चूसने के लिए नहीं मिल रहा ना। मैं समझ नहीं आ रही सच में, वही है मुझे पता लगा, ये ना ही से बाइसेक्सुअल गे है, ये दिखने में मर्द लगते हैं लेकिन होते नहीं है ये। इसे चूसने के लिए नहीं मिल रहा ना, ये किलस रहा है ये। हाँ हाँ समझ गई मैं तुम्हारी बात, अब 100% मैं श्योर हो गई, श्योर 100%। अबे तो हंसेंगे तो हंसेंगे नहीं क्या, तेरी तरह चुप बैठ रहेंगे क्या। हाँ सही बात, शुभम भाई मैंने आपको है ना पेटीएम नंबर डीएम किया है, थोड़ा पेटीएम कर देना भाई को। शुभम भाई भेज दो इस गांडों को भेज दो, फिर आपको सुधो, फिर मैं आपको अमीर दिखा दूंगा। इसने कितने पैसे भेज दिए तुमको दीपक? 2 करोड़ दो रुपए की शक्ल भी नहीं, 2 करोड़। 2 करोड़ उसको देना, मैं थोपड़े पे लगवा लेता। हाँ, तो 2 करोड़ मेरे थोपड़े जाता, तेरे जैसे होट बन जाते फिर मेरे। हाँ तू बनवा लेता ना, काम तो आते, इस थोपड़ी से तो अच्छा ही था। गिरा हुआ इंसान को उठाना एक बार दीपक, मेरी काफी टाइम से बात नहीं हुई गिरा हुआ इंसान से। आया मोनो दिख रहा लाइट से। सोनिया तू पता नहीं किस किस के लेने के चक्कर में घूमती रहे यार, टेंशन ना ले, तेरी नहीं ले रही बता। इतने काले कसूटे लोंडे के साथ तू सेक्स करने के चक्कर में लग गई क्यों? कौन सा काला कसूटा देख लिया तूने? शुभम तूने देखा नहीं वो ध्यान से, ये वो लोग होते हैं जो चेहरा छुपा के बकचोदी कर सकते हैं बस। तो तुम्हारी तरह वो फ्री फंड का घर दिखा के करें जो तुम दिखाते हो। हाँ। जिनके पास होता है वो दिखाते नहीं है। अच्छा, जिसके पास होता है तो मैं भी कैमरा बंद कर लेता हूँ ना, मेरे पास भी नहीं है कुछ है ना। तुम सोचो कि तुम इतने तो कितनी भोली है ना यार, सच में दीपक भाई तुमने सच बोला था, सोनिया बहुत भोली है यार। देखो मैं तो हमारी पुरानी दोस्त है और जहां तक इसने कभी भी ऐसे किसका ये नहीं किया है मतलब। हेलो चिकू। हेलो बोल दीपक। बस मैं यही कह रहा हूँ कि देखो बुरा मत मानना, मैं अगर आपके बोल रहा था, देख नीरज भाई हाँ जी, बहन के रोड़े को समझा दो, मेरे से बोलेगा तो ये फिर मैं बोलूंगा, शुरू हो जाऊंगा फिर, ये कहता है कि गाली देता चिकू तू ये वो। तो अपना भाई आया है वो बेसला, शिवम बेसला लाइव पे आ कॉल पे आ यार, आईडी तकड़ी करके चिपकी हुई है भाई।
शुभम वर्मा की चिपकी पड़ी है गांड की, काले की एक दो और चिपकी पड़ी है यार। हाँ। नहीं ऐड कर सकते हैं फिर भी दीपक एक बार किसी को नीचे उठाने के बाद। सोनिया तुम्हारी डीपी कहाँ की है, तुम्हारे घर की है? कौन सी जो डीपी लगा रखी है तुमने? ये मैरियट होटल की है। अच्छा अच्छा, अकेले गए थे तुम? अपने फ्रेंड्स के साथ गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, अकेली थी, मैं अपने घर से बाहर भी नहीं जाती। क्यों? अरे ऐसी अच्छी लग रही है देखने में ना। हेलो शिवम। हाँ दीपक, तो कहाँ बात कर रहा है यार तू, देखो खराब है। अरे भाई सुनो, इसने जो आपकी गांड मारी उसके लिए मुझे बुरा लगा बहुत। तेरी बीमार रो ही बराबर, तो या कोई पसंद आ रहा हो तो कहा के मैं, और वाद की लाइफ भूल को, अभी 4-5 दिन पहले कैसे तेरी ऐसे करी ठीक, जब लाइफ पे था ना रिक्वेस्टी जो बंद कर दी वादिन मेरी, याद सुनो तो याद है अभी कुछ दिन पहले की, जब तो तेनर लाइव, जब तेनर लाइव पे ऐड करा है मोर, तो जब तो तेनर मोर लाइव पे ऐड करा है, तो पता है तेने कैसा मोर ब्लॉक कर दिया है, जब तो तूने एक हफ्ते से ब्लॉक की जो राखो में, जब लोग रन ब्लॉक बिल्कुल भी है तो पूरा खौफ है, जब लोग लेवे तो कुत्ते भी ऐड पे ऐड पे कॉल पे, मैं भी तो कुछ कह रहा हूँ तो सो भूल रहा है उन दिन ने। अच्छा शिवम मैं क्या कह रहा हूँ भाई को सॉरी बोल दे, हेलो अरे उसने तेरी गांड मारी उसको सॉरी बोल दे, ऐसे तेरी मार रहो बराबर, तेरी भी ले रहो है, कोई दिक्कत ना तेरी भी ले रहो यार। लाइव तू सुन यार लाइव, हेलो कौन भाई? अरे शिवम यार लाइव सुन, मो दोबारा ऐड कर या मैं देख ना रहा कौन कौन ऐड हो रहा। सोनिया, सोनिया कैसे नीचे चली गई? अरे लाइव बुरी हैंग होती है, लाइव में ना देख रहा कौन कौन बात कर रहा हूँ कौन ना कर रहा हूँ। सोनिया नीचे मैसेज करो, तुम गिर गई हो या क्या हो गया, नीचे मैसेज करो। अगर आना है सोनिया दोबारा, ए अभी लाइव पे कौन है, गिरा हुआ इंसान है? सोनिया गिर गई नीचे, पता नो क्या दिक्कत हो रही, लाइव में दोबारा बंद करके चला एक बार। क्यों क्या प्रॉब्लम है? देख ना रहा कोई सभी लाइव ना चल रही, कतई भी सब अटके पड़े हैं हमें। ठीक है चलो बाय।